अभी हम खड़े हैं जेजे पे तेली मोहल्ले के, वहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आते जाते लोगों को जो है हलवा दिया जा रहा है। हर साल जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। आज ईद मिलादुन्नबी मुबारक का त्यौहार है, काफी बड़ा त्यौहार है, काफी लोगों ने इसका जो है पालन किया है। आज तकरीबन हजारों की तादाद से यहाँ से ट्रक निकलती है, आप हमारे कैमरे में पीछे देख सकते हैं, लेकिन आज जो है यहाँ पर एक भी ट्रक का आना नामुमकिन है, क्योंकि गवर्नमेंट सरकार ने हर त्योहारों के लिए एक ना एक गाइडलाइन जो है बनाया है कोरोना वायरस को लेकर, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जिससे कहीं लोग जो है शिकार हुए। आज भी कहीं लोगों का जो है हॉस्पिटलों में इलाज चालू है और आज भी काफी लोग जो है डरे हुए। आइए यहाँ के कुछ पुराने रहवासियों से बात करते हैं, जानकारी लेते हैं कि आज जो त्यौहार जो मनाया गया है कितनी सादगी से इस त्यौहार का पालन किया गया। सर बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है, आपका शुभ नाम बताइए। मोहम्मद अली। मोहम्मद अलीफ जी, आज ईद मिलादुन्नबी मुबारक का त्यौहार है और ऐसे कई त्यौहार चाहे वो हिंदू के हो या मुसलमान के हो, सिख या ईसाई के हो, एकदम सादगी से मनाया जा रहा है, तो आज ये ईद मिलादुन्नबी मुबारक जो है यहाँ पर आज जुलूस भी नहीं है और काफ़ी लोग भी कम नजर आ रहे, जो कि लाखों के तादाद से लोग यहाँ पर बने हो रहते थे, तो इस बारे में आप क्या जानकारी देना चाहोगे? मैं तो ये बोलूँगा कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर दिल से याद करें तो बहुत बड़ी बात है, उनके पीछे दुरूद पढ़े और उनको सलाम भेजे। चलो अच्छा है, जुलूस नहीं है और हर साल, ये तो 1400 साल पुराना रिवाज चल रहा है, यहाँ नहीं है मक्का मदीने में भी निकलता है क्या। अरे हम उनको दिलो जान से मानते हैं और दिलो जान से उनको याद करते हैं, याद करना भी एक इबादत है। और जो ये कोरोना वायरस है ये एक वबा बला है, अल्लाह इसको दूर करे और हमारे नबी पाक के सदके, ये जुलूस के सदके, ये दीन के सदके ये बला को खलास करे, मैं तो ये दुआ करूँगा। और अभी आप क्या पूछना चाहते हैं भाई? आपका नाम बताइए। मोहम्मद जलाल। मोहम्मद जलाल जी, आपका कहना चाहोगे आज ईद मिलादुन्नबी का काफी त्यौहार, बड़ा त्यौहार है जो कि आज बहुत सादगी से गवर्नमेंट सरकार के रूल रेगुलेशंस को लेकर जो है चल रहे लोग, इस बारे में क्या कहोगे? माशाल्लाह अच्छी बात है जो फॉलो किया उन्होंने, और हमको भी करना चाहिए, हमारा ही फर्ज बनता है कि इसको फॉलो करो, गवर्नमेंट जैसा चाहती है वैसा करे क्या, और होना भी चाहिए, जिद पना नहीं करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी कोई दुश्मन नहीं है, हम गवर्नमेंट के साथ है, गवर्नमेंट हमारे साथ है, तो उनका साथ देना लाजिम है। आज जो है 144 भी लागू किया गया है, और 144 का मतलब है कि अगर 5 लोग जो है एक साथ में जुड़े हुए रहेंगे तो उसके ऊपर 144 का कलम जो है वो लगाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर सभी लोगों ने काफ़ी दूरी दूरी बनाए हुए है। और आइए हम और एक भाई से बात करते हैं, आज ईद मिलादुन्नबी मुबारक के त्यौहार के बारे में। सर आपका नाम बताइए। अल्तमश। अल्तमश भाई, आज ईद मिलाद का काफ़ी बड़ा त्यौहार है और काफ़ी लोग जो है हमेशा हर बार ट्रक निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, बच्चे रहे, जवान रहे, महिला रहे, ठीक है, आज जो है एक भी महिला रोडों पे नज़र नहीं आ रही है और ज़्यादा करके लोगों ने जो है अपने घरों में ही फातिहा दुरूद पढ़ाया हुआ है, तो इस बारे में क्या कहो? सर हम लोग अभी ऐसा है कि हर साल हम लोग गेट बनाते थे, ये साल परमिशन भी नहीं मिला और कुछ कर भी नहीं पाए, कि हम लोग सोचे कि एक बार कुछ नियाज कराया जाए, अभी सिलसिला तो चलाना ही है, बंद नहीं कर सकते हैं। अभी महिला भी ऐसा है कि पब्लिक माशाल्लाह उतरी है, अब महिला है अभी उतर नहीं सकती, पुलिस भी परेशान कर रही है, किसको जमा नहीं होने दे रही है, इसकी वजह से महिला भी घर पे और जो भी गली वाले हैं जो भी हमसे हुआ हम गली में करें नियाज। कितने साल से यहाँ पर नियाज नजराना किया जा रहा है? हम लोग 15 साल से, हम लोग जब से हम लोग गली में थोड़े हुए तो 15 साल से गेट बंद रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, अभी ये साल कुछ नहीं किए तो फिर नियाज का बंदोबस्त किए। देखिए इनका कहना है कि आज जो है जुलूस नहीं निकाला गया लेकिन नियाज का जो है वैसे ही सिलसिला चालू है। यहाँ भी पीछे आप देख सकते हैं कैमरे में, यहाँ पर कम उम्र के बच्चे भी मौजूद हैं और कुछ लोग भी यहाँ के लोकल मौजूद हैं जो लोगों के लिए जो है न्यास का जो है प्रबंध किए हैं कि जुलूस नहीं निकला लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर न्यास नजराना लोगों को दिया जा रहा है और इसमें कोई भी धर्म के लोगों को ये देख के नहीं दिया जा रहा है कि वो हिंदू है या मुसलमान है, सभी को जो है ये दिया जा रहा है कि लोग जो है जाते जाते यहाँ से खाते हुए खा के जाइए। फिर से आपको बताया जाएगा हमारे कैमरे में पीछे का नजराना किस तरीके से एकदम सनसनी बनी हुई है, यहाँ पर सन्नाटा बना हुआ है, लोग जो है सिर्फ आ रहे जा रहे हैं, जैसे कि हर वक्त लोग यहाँ पर बने हुए रहते हैं वैसे ही आज का दिन भी नज़र आ रहा है।
हम भी दुआएं करते हैं कि कोरोना वायरस जो है जल्द से जल्द खत्म हो और लोग जो है हमेशा हर त्यौहार सादगी से बनाए। बॉम्बे प्रेस के साथ में अमजद पठान। बॉम्बे प्रेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज ताज़ा खबरों के लिए।